नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप बिना मुंह धोले चाय पीते हैं तो हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि बिस्तर से उठते ही उन्हें हाथ में चाय का कप चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं यदि हम बिस्तर से उठने के तुरंत बाद बिना कुल्ला किए चाय पीते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। पहला, दांत कमजोर। जब हम सुबह उठते हैं तो मुंह में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लाल और एसिड होता है, जिसे आपने महसूस किया होगा। इसी के कारण हमारे मुंह से सुबह के समय बदबू भी आती है। ऐसे में यदि हम उठने के तुरंत बाद चाय का सेवन करते हैं तो ये हमारे दांतों को और दांतों की ऊपरी परत को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। चाय में होते हैं शुगर, जो कि दांतों के लिए अच्छी नहीं है, और इसके गर्म होने के कारण हमारे दांत और मसूड़े कमज़ोर होते हैं। दूसरा, एसिडिटी। अगर आप सुबह से उठकर बिना मुंह साफ किए चाय पीते हैं और आपको एसिडिटी की समस्या है तो आज से ही ऐसा करना बंद कर दें। इसका लाभ आपको 2 से 3 दिनों में देखने को मिल जाएगा। सुबह की लार चाय के साथ पेट में जाकर के हमारे पेट को एसिडिटी पैदा करती है। तीसरा, लत। अगर आप रोज़ रोज़ इसी तरह बिना मुंह धोए चाय पियेंगे तो आपको चाय की लत लग जाएगी। सुबह उठकर सबसे पहले आपको चाय की याद आएगी और बिना चाय पिए आपको अच्छा नहीं लगेगा, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए आज से ही ऐसा करना बंद कर दें। सुबह उठकर क्या करें? सुबह उठकर जितना हो सके उतना ज़्यादा सामान्य पानी पीने की कोशिश करें। यदि आप थोड़ा गुनगुना पानी पीते हैं तो यह आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।